यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र संख्या 7। रिकॉर्डिंग चल रही है सबकी? जी जी स्वामी जी, ऑन है। ओम त्रीणि शता त्रिसहस्राणि अग्निं त्रिशन्त च देवानव असर्पयन् ओक्षण गते अस्तनन् बही अस्मे आत इत होतारं नियसादयन्त। अग्नि अग्नि को त्रीन सहस्त्राणी हजार, त्रीणि तीन, शता सौ, त्रिशंत तीस, च और नव नव, च और देवा देवों ने असर्पयन पूजन किया। गते प्रकाश अभिसिंचित द्वारा ओक्षण सींचते हुए अस्तनन आच्छादित किया। वही वृद्धिशील वृद्धिकर्ता शब्दकर्ता को अस्मा इस आत इत सब ओर से ही होतारम दान आह्वान करने वाले को नी असाद्यंत निरंतर स्थापित प्रतिष्ठित करें। भावार्थ, अग्नि स्वरूप परमात्मा की सपर्या परिचर्या पूजन 3,339 देव करते हैं। इस संख्या का रहस्य तो निश्चित ही गहन शोध का विषय है। इस विषय में किसी ग्रंथ या विद्वान के विचार को स्वीकार कर उसे ही सत्य मान लेना उचित नहीं होगा। ऐसे स्थलों पर उदार तथा व्यापक दृष्टि से अध्ययन तथा चिंतन मनन करना आवश्यक है। ग्रह धातु का अर्थ सिंचन करना, प्रकाश करना होता है। अतः इसके लिए अर्थात परमात्मा के लिए बरही अर्थात बड़े क्षेत्र को प्रकाशित अभिसिंचित करने का भाव है। इसके अनंतर होता अर्थात इस कार्य का प्रमुख आयोजक आह्वान करने वाला भी निश्चित ही प्रतिष्ठित होता है। निरुक्त, अग्नि में अग धातु गति करना, देवा में दिव धातु प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद प्रीति करना, असर्पयन अक्रिया उपसर्ग, सपर पूजा करना, सेवा करना, ग्रते गृह धातु सींचना, प्रकाशित होना, ओक्षण उक्ष धातु सिंचन करना, सूक्ष्म करना, अस्त्रनन अक्रिया उपसर्ग, अक्रिया उपसर्ग स्त्र धातु आच्छादन करना, बरही बृह धातु वृद्धि होना शब्द करना, होतारम में हुए धातु आह्वान करना, उदान करना, आदान प्रदान करना, नी असाध्य अंत में नी उपसर्ग एक क्रिया उपसर्ग सद शब्द का अर्थ बैठना। ओम खम्र। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 7। ओम त्रीणि शता त्रिसहस्राणि अग्निं त्रिंशत् च देवा नव च असर्पयन् असपर्यन् ओम त्रीणि शता त्रिसहस्राणि अग्निं त्रिंशत् च देवा नव च असपर्यन् ओक्षण घृतै अस्त्रणन् बर्हि अस्मै आतिथोतारम् न्यसादयन्तो। इसमें निश्चित रूप से कुछ रहस्य हैं और उनको सुलझाने का उपाय आपसे गहन स्वाध्याय की अपेक्षा करता हूं। कह रहे हैं तीन सौ, देखिए वेद में लिखा है तीन शता और हम वर्तमान लोक भाषा में उसका अभ्रंश है 300, स्वाभाविक है अभ्रंश में यह परिवर्तन हुआ। तीन शता 300 त्रिसहस्राणि, तीन सहस्र 3,000,
300 और 3000, ये कविता है, काव्य है, पद्य है, गद्य में सामान्यता हम कहेंगे 3300। 3300 जरा ध्यान दीजिए कितनी बड़ी संख्या बनी, 3300। 33 देवता, 33 कोटि देवता, 33 प्रकार के देवता या 33 करोड़ देवता, कह सकते हैं इस बात को कुछ तो इस मंत्र ने संकेत किया कि सत्य क्या हो सकता है। शेष तो लोक प्रचलित मान्यताएं हैं, इस मंत्र ने कुछ संकेत किया कि ये जो 33 कोटि शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वह पूर्णता निराधार तो नहीं है, 33 कुछ तो है। तो त्रीण सता त्रिसहस्राण 3300 अर्थात 3300 भी कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में। तो ये 3300 हैं जो अग्निम अग्नि को, अग्नि तो हम जानते ही हैं अग्नि प्रगतिशील परमेश्वर के लिए सामान्यता आता है या इन गुणों से युक्त उपासकों के लिए समाज के अग्रणी लोगों के लिए आता है। तो वेद का मुख्य अर्थ तो आध्यात्मिक है और वहां पर परमात्मा परक अर्थ प्रमुखता से ग्रहण किया जाता है। तो अग्निम का अर्थ अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर की मुख्यता हम ग्रहण करेंगे आध्यात्मिक अर्थ में। कह रहे हैं त्रिंसत् च देवा नवचा असपरयन। बात अभी इतने से पूरी नहीं हुई, 300 और 3000, 3300, 3300 तो आ गया अग्निम अग्नि को। देखिए यहां पर यह बात समझ लें, कोई भ्रमित ना हो, हो सकता है कुछ लोग, मैं उन्हें अयोग्य नहीं कहता, ऐसा नहीं है, लोगों को जानकारी होती है फिर भी जानबूझकर भ्रमित करने का प्रयास करते, तो उससे सावधान रहें। वे स्वयं तो जानते हैं परंतु दूसरों को भ्रमित करते हैं, ऐसे विद्वान बहुत मिलते हैं। तो उनसे सावधान रहने के लिए बहुत थोड़ा सा एक सूक्ष्म दृष्टि हो आप समझ जाएंगे। संख्या तो इतनी बड़ी बता दी 3300 और उसके बाद लिख दिया अग्निम अग्नि को, यह एक वचन द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। तो अग्नि तो एक वचन में है, स्पष्ट है यह अग्नि परमेश्वर के लिए मुख्य रूप से है या समाज में जो सबसे अग्रणी है उस उपासक दिव्य जन के लिए है। ये 3300 जो कहे गए वे उससे अलग कुछ और है, वो क्या है देखते हैं। बात यहीं पूरी नहीं हुई, अगले चरण में और बताया जा रहा है 63 अर्थात 30, 3330 हो गए। च देवा और ये देवगण, ये जो संख्या बताई जा रही है ये देवों की ही बताई जा रही है, इतना तो और स्पष्ट कर दिया इसने इस मंत्र में, इतना बताया कि 3330 क्या है, ये देव हैं, देवगण हैं, दिव्य गुण युक्त हैं, प्रकृति के तत्व हो या समाज के लोग हो, ये संख्या देवजनों की देवगणों की है। और क्या कहा, नवचा असपरयन। अब नवचा और नव इसमें और जोड़ लीजिए, हाँ इस नव शब्द पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नव संख्या भी है और नव का अर्थ नवीन नूतन भी होता है, इसका अर्थ स्तुत भी हो सकता है, नु स्तुत धातु से भी हो सकता है। अब इतनी संख्या सब बताई जा रही है तो कह सकते हैं 63, 9, 4, 30 और 9, 39, तो देव कितने हो गए इस मंत्र में, हम क्या कह रहे हैं इस मंत्र में कितने देव हो गए, इसको अंतिम प्रमाण इस रूप में न माने कि वेद में कुल इतने देवता हैं, अभी और जाने कितने मंत्र हम लोग पढ़ेंगे और वहां क्या क्या बताया जाएगा, केवल एक मंत्र से निश्चय बहुत बड़ा सिद्धांत न बनाएं।
हाँ सत्य यह भी है, ये कोई नहीं कह सकता, जब इस मंत्र में कहा गया है तो ये सत्य है, पूरी तरह सत्य है, इसमें कोई संदेह तो नहीं है। तो बताया गया 3330 और 939, 3339 देवा देवगण, इतने देव हो गए, 3339 देवगण हैं। इन्होंने किया क्या? अग्निम अग्नि को असपर्यन इनकी पूजा की, अग्नि की पूजा की 3339 देवगणों ने। ये संख्या इतनी स्पष्ट है कि इसमें अनुमान लगाने की कल्पना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा कहा जाता सैकड़ों देवों ने, सहस्रों देवों ने, हजारों देवों ने, करोड़ों देवों ने, तो कहा जा सकता था, प्रकृति की विभिन्न शक्तियों ने, समाज के सैकड़ों हजारों लोगों ने, दिव्य गुण युक्त सैकड़ों हजारों लोगों ने, ऐसा भी बहुत से मंत्रों में आएगा, वहां ये आप कह सकते हैं। इसका अर्थ होता है जब ऐसे प्रयोग आते हैं, आप विभिन्न मंत्रों में मिलेगा भी, तो वहां सत सहस्र अर्थात सैकड़ों हजारों का अर्थ होता है बहुत से लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग, वहां पर एक एक संख्या गिनने की बात नहीं होती कि तो उसने सत लिखा है, सतम लिखा है, तो ठीक 100 है, ना एक न्यून ना एक अधिक। परंतु यहां पर संख्या इतनी स्पष्ट जब बताई जा रही है 3339, 40 नहीं है, 40 में एक न्यून है स्पष्ट बता रहा, तो आप इसमें लगभग इतने का अनुमान कर ही नहीं सकते। स्पष्ट है 3339। अब ये 3339 देव कौन से हैं, वास्तव में इसमें बहुत बड़ा रहस्य होगा और उस पर हमको आपको सबको मिलकर चिंतन करना होगा। मान लीजिए हमारा जीवन तो आपको वेद मंत्रों का प्रामाणिक धातु अर्थ खोजने में निकाल दिया, तो अब इस तरह के जो रहस्य आएंगे उनको सुलझाने का दायित्व तो हमने आप पर छोड़ दिया। आप जब वेद का गहन अध्ययन करेंगे, तर्क पूर्ण तरीके से निष्पक्ष अध्ययन के बाद मनन चिंतन करेंगे, तब इन रहस्यों को खोज पाएंगे, ये दायित्व तो हम आप पर छोड़ रहे हैं। कृपया कोई भी ये प्रयास न करें, भैया ने भी पढ़ा भी, कि किसी एक पुस्तक में आपने कहीं कुछ पढ़ लिया है, किसी एक लेखक की कोई पुस्तक, और मान ले बस वो आपका अंतिम सत्य हो गया। वह सत्य हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं, कहा किसने पढ़ा मुझे जानकारी नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा। तो ये किसी भी विद्वान ने कहीं लिखा है कि इतनी संख्या इन्हीं इनकी है, तो वह सत्य हो सकता है, परंतु वही सत्य है ऐसा नहीं मानना है। तो जब इतने निष्पक्ष भाव से आप अध्ययन करेंगे, खोज करेंगे, तो हो सकता है कोई ऐसा रहस्य मिले जो आपके जीवन में और इस पूरे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दे। यह दायित्व तो है हम आप सभी लोगों का, इस पर प्रयास करें। इतने 3339 देवगण मिलकर सपरिया कर रहे हैं। सपर धातु है, इसका अर्थ पूजा करना, सत्कार करना, सेवा करना, यही होता है। पूजा का कोई प्रतीकात्मक पूजा का अर्थ वेद में होता ही नहीं, वहां सत्कार सेवा सहायता का ही अर्थ होता है, स्वाभाविक है। तो अब अग्नि का अर्थ तो हम परमेश्वर मान सकते हैं आध्यात्मिक अर्थ में, और व्यवहारिक लौकिक अर्थ में समाज के अग्रणी दिव्यजन को मान सकते हैं जो एक प्रमुख हो, और उसके लिए इतने लोग, इतनी संख्या है 3339। इस पर विचार कीजिएगा। अब हम इस मंत्र पर आगे कुछ विचार करते हैं। औक्षण घृतय अस्त्रणन पर ही अस्मय, ये जो सपरिया पूजन सेवन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, अस्मय इसके लिए, अब अग्नि की पूजा कर रहे हैं तो अस्मय का क्या अर्थ हुआ, इसके लिए अर्थात अग्नि के लिए।
यशमय सर्वनाम हो गया तो ये अग्नि के लिए आया, इसके लिए अर्थात अग्नि के लिए, इस अग्नि के लिए। बरही शब्द को भी देख लें, ब्रह धातु है बढ़ना वृद्धि करना, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो बरही का अर्थ हुआ वृद्धशील, वृद्धिकर्ता। औक्षण उच्च धातु का अर्थ है सिंचन करना, स्वच्छ करना। अस्त्रण स्त्री धातु का अर्थ है आच्छादन करना, अस्त्रण का अर्थ हुआ आच्छादित किया, औक्षण का अर्थ हुआ सिंचन करते हैं। तो औक्षण घृतय अस्त्रण बरही अस्मय, क्या कर रहे हैं, इसके लिए वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धिशील हैं। और घृतय घृतों द्वारा, ध्यान दीजिएगा, घृतय कहा गया है, ये बहुवचन में है, घृतों द्वारा अर्थात बहुत से घृत हैं। ये कोई सामग्री नहीं है जो किसी पात्र में रखी है, तो घृतय बहुवचन किसके लिए कहा जा रहा है, या तो बहुत से पात्रों में घृत रखिए या एक पात्र में रखे हुए घृत में उसके अणुओं की संख्या के आधार पर कह दीजिए घृतय बहुवचन कह दिया गया होगा, परंतु तो ऐसा अर्थ वेद को स्वीकार्य नहीं होता। तो देखना पड़ेगा इस घृतय शब्द का अर्थ क्या है। घृत धातु है जिसका अर्थ है सींचना, सिंचन करना, प्रकाशित होना। घृतय का अर्थ हुआ अभिसिंचनों द्वारा, प्रकाश द्वारा, प्रकाशमानों द्वारा। तो बहुत से लोग समाज में हैं अभिसिंचन करने वाले, प्रकाश करने वाले, उनके द्वारा जो इतने सारे देवता गिना दिए, इतने सारे देवजन देवगण जो हमको गिना दिए 3,339 देवजन, ये उनके द्वारा, उन्हीं को यहां घृत भी कहा गया। अभिसिंचन प्रकाश करने वाले, तो ये 3,339 देवगण प्रकाश करने वाले द्वारा औक्षण अभिसिंचन करते हुए अस्त्रण आच्छादित करते हैं इस अग्नि के लिए, और वृद्धि करने वाले, वृद्धि करने के उद्देश्य से जो भी मान ले वृद्धि करते हुए या वृद्धिशील लोगों में आत इत होतारम नि असाद यंत्र। देखिए आत क्या है, यह अव्यय है, वैदिक अव्यय है कह लें। कभी कभी हम लोग कह देते हैं वैदिक उपसर्ग है, वैदिक अव्यय है। इसका अर्थ यह होता है कि लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं मिलता, वेद में मिलता है। तो ये चाहे निरुक्त के विद्वान रहे हो, आज के नहीं, जिन्होंने निरुक्त के ग्रंथ लिखे, यास्क या उनके पहले के निरुक्तकार, यास्क अंतिम निरुक्तकार हैं जिनका निरुक्त हमें उपलब्ध है, और यास्क ने अपने निरुक्त में अपने से पहले के निरुक्तकार विद्वानों का उल्लेख किया है, जिससे हमें उनकी जानकारी मिलती है। उससे पहले भी निरुक्त पर बहुत से विद्वान आचार्यों ने बड़े कार्य किए हैं, हमारे सौभाग्य से यास का निरुक्त उपलब्ध है, शेष नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ यहाँ वहाँ प्रकाशन कार्य हुआ भी है ऐसा सूचना है, परंतु सामान्यता हमें निरुक्त यास का ही उपलब्ध है। तो जो निरुक्तकार हैं, जो व्याकरणकार हैं पाणिनि या उनसे पूर्व के व्याकरणाचार्य, वे बहुधा लिख देते हैं इति वेदे छंदसी, उसका अर्थ यही होता है कि ऐसा वेद में तो मिलता है। अंगस का अर्थ भी यही होता है कि वो वेद में मिलता है, परंतु लोक में अर्थात लौकिक संस्कृत भाषा में नहीं मिलता, उनके समय ही नहीं मिलता था, तो अब क्या मिलेगा। हाँ, कुछ वापस भी आ सकता है, आज हम वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, वेद के शब्दों से परिचित हो जाते हैं, तो उन शब्दों को अपने लोक व्यवहार में हम उपयोग भी कर सकते हैं। किस प्रकार से उन वैदिक शब्दों
कि वापसी भी हमारी भाषा में हो सकती है, जो बीच में कह सकते हैं लौकिक संस्कृत में प्रयोग नहीं हुए। तो आत को इस प्रकार से वैदिक अव्यय या उपसर्ग मान सकते हैं। आत हित का अर्थ भी, ये भी एक अव्यय ही है, इसका अर्थ सामान्यता ही करते हैं। और आत का अर्थ है सब ओर से समानता, तो इसका अर्थ हुआ सब ओर से ही। आत इत होतारम, सब ओर से ही होतारम, होता को, और होता का अर्थ हम जानते हैं, हो धातु से होता शब्द बनता है, इसका अर्थ है दान करना, आदान प्रदान करना। होता का अर्थ हुआ दान करने वाले, आदान प्रदान करने वाले, अर्थात मुख्य रूप से कहें दानी जन, जो उदार मना दानी हैं, उनको होता कहा गया। होतारम, होता को, नी असाध्यंत, निश्चित निरंतर, नी असाध्यंत प्रतिष्ठित करते हैं, क्योंकि तो नी तो उपसर्ग है निश्चित निरंतर, और सद शब्द धातु का अर्थ बैठना है, तो निरंतर स्थापित प्रतिष्ठित करें, यही भाव ग्रहण किया गया है असाध्यंत, तो इसका अर्थ हम लोगों ने जाना। अभी इसका मंत्रार्थ भावार्थ भी आने पढ़ा, और कुछ हमने शब्दों पर विशेष रूप से हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं, उन शब्दों का धातु प्रामाणिक अर्थ आपको स्पष्ट हो सके। समझते हैं संभवतः इस मंत्र का भाव आप तक पहुंचा होगा, तो अपनी बात को हम यहाँ विराम देते हैं। शेष जिसका जो भी प्रश्न विचार हो तो इस पर रख सकते हैं, आप लोग अपनी बात रखें। ओम खम। हाँ पुलकित जी, देख लो प्रारंभ में प्रश्न नहीं होते हैं तो तुम पाठ प्रारंभ कर दिया करो, जब भी किसी का प्रश्न होगा तो ले लिया जाएगा, ठीक है ना स्वामी जी। हाँ बोलो। इस वेद मंत्र में जो देवा शब्द आया है उसका क्या क्या अर्थ हो सकता है स्वामी जी? देखिए हमने आपको बताया है शब्दों का अर्थ एक ही होता है, वो चाहे जहां आए शब्दों का अर्थ कभी नहीं बदलता। देवा का अर्थ है देवगण, और देवगण का अर्थ है देव शब्द का अर्थ, दिव धातु से देव शब्द बनता है, इसका मुख्य अर्थ प्रकाश होना है, और अनेक दिव्य गुण कह सकते हैं, जो भी आप अच्छे गुण मान सकते हैं वो सामान्यता दिव धातु में है, आपके पास पुस्तकें हैं, आप पढ़ सकते हैं, दिव धातु के अर्थ भिन्न शब्दों में आया है, यहाँ भी लिखा होगा, है ना। तो कुल मिलाकर के दिव्य गुणों से युक्त जन को हम देव कहते हैं, और देवा बहुवचन में देवगण है, जहां भी ये देव शब्द आएगा उसका केवल और केवल यही अर्थ होगा दिव्य गुण युक्त प्रकाशमान, और इसका दूसरा अर्थ कभी कहीं भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज, मैंने ये इसलिए भी पूछा था क्योंकि उन्मत्तता मोचन सूक्त में भी ये देवा शब्द आया था, तो वहाँ से भी ये स्पष्ट हो गया होगा कि मतलब देवा शब्द का अर्थ क्या होगा। गुरु जी, त्रि और त्रिणी में कुछ अंतर है क्या? बहुत सुंदर, इससे अच्छा प्रश्न नहीं हो सकता। तुमने ये बता दिया कि इस कक्षा में जो लोग जुड़े हैं वे वाकई कितने मासूम बच्चे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़कर वेद पढ़ रहे हैं, जो कहते हैं जिनका संस्कृत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। त्रि का अर्थ तीन है, त्रिण उसका बहुवचन है, क्योंकि तीन संख्या अपने आप में एक बहुवचन है, तो संस्कृत में सामान्यता उसका प्रयोग बहुवचन में होता है। तो जब भी आपको तीन के अर्थ में अलग शब्द लिखा दिखाई पड़ेगा तो मान लीजिए वो त्रिण ही लिखा जाएगा बहुवचन में। त्रया भी होता है, वो भी बहुवचन होता है, त्रि का बहुवचन त्रया हो गया, है ना। तो आपको त्रिशब्द सामान्यता बहुवचन में ही मिलेगा,
त्रया मिलेगा, त्रिण मिलेगा, और या तो अन्य विभक्तियों में होगा तो त्रिभी तीनों द्वारा, त्रिभ्या तीनों के लिए, इस प्रकार के अर्थ आपको मिलेंगे। तो त्रि तो मूल शब्द है जिसका अर्थ तीन है, अब वो विभक्तियों के अनुसार सामान्यता इसका प्रयोग बहुवचन में ही होगा, क्योंकि तीन शब्द का प्रयोग एक वचन में, द्विवचन में तो हो ही नहीं सकता, बहुवचन है तो सदा इसका प्रयोग बहुवचन में होगा और विभक्तियों के अनुसार उसमें और विभक्तियां जुड़ी होंगी जहां जिस रूप में प्रयोग होना होगा। ठीक है भैया। गुरु जी मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे सता के साथ तो त्रिणी इस्तेमाल किया गया है और शस्त्रानी के साथ त्रि, त्रिसहस्राणि, ये पहले ही अगर पूरी बात बोलते तो सीधे उसी पर आया जाता है ना। इसमें जो कहा है त्रिण सता त्रिसहस्राणि, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये त्रि जो लिखा है ये दीर्घ ई हो गया है, और सामान्यता जो आप विद्यालय में पढ़ते हैं त्रि का अर्थ तीन, वो लघु ई होता है, त्रि में लघु ई रहता है, यहां दीर्घ हो गया है। अब यही तो वैदिक भाषा है, शब्द है त्रीण। अब एक तो वैदिक भाषा जो संस्कृत से थोड़ा सा पहले की है, संस्कृत के नियम का पूरी तरह पालन नहीं करती, और दूसरा यह है कविता। आप जानते हैं कविता में ये वर्ण अक्षर गिनने पड़ते हैं, त्रिष्टुप छंद है 11 वर्ण, उसे गिनने पड़ेंगे। अब गिनो इसमें 11 वर्ण है ना, त्रीण सता त्रि सहस्राण यज्ञिम, ये हो गए 11 वर्ण, एकादश हो गए, गिनो। यदि यहां वो त्रीण लिखता तो 11 से एक बढ़ जाता, 12 हो जाते, छंद के आग्रह से वर्ण संख्या 11 होनी चाहिए। तो भाई ने जो ऋणी था उसे पी गए, साइलेंट कर दिया है ना, तो अब वो 11 ही रखने थे छंद की दृष्टि से, तो त्रीण एक बार तो लिख दिया, दूसरी बार त्रीण का ऋणी छोड़ दिया। तो ये एक अभ्यास की बात है, काव्य के छंद के आग्रह से। और एक बात ये भी जो बता रहे हैं निरंतर आपको कि वैदिक भाषा प्राचीनतम है, मूल है, संस्कृत उसी से विकसित हुई बाद में, तो संस्कृत में तो सब कुछ बिल्कुल नियम बने हुए हैं, और वेद चूंकि लोक व्यवहार की भाषा है, जन जन की भाषा है, बाद में तो संस्कृत केवल विद्वानों की भाषा हो गई, परंतु वैदिक काल में जो वेद की भाषा है वो जन सामान्य की भाषा है, आज की भाषा में कह सकते हैं अपढ़ लोगों की भी भाषा है, तो वो थोड़ा सा उसमें इतना चलता है। तो इसको इस रूप में आप समझ लें, पहले बताए होते तो हम सीधे आपको यही बताते। पहले मैंने ये समझा त्रि तीन आपने पढ़ा है विद्यालय में, और आपने कहा ये तीर्ण कहाँ से आ गया, अब बात पूरी हुई। जी गुरु जी, गुरु जी इस मंत्र में जो देवा है वो करता है ना। जी हाँ, देवा करता है। अब यहाँ भी वही बात है, संस्कृत में लिखते तो देवाह होता, यहाँ विसर्ग होता, यद्यपि यहाँ छंद के आग्रह से विसर्ग लगाने से अक्षर वर्ण संख्या घटती बढ़ती नहीं, लेकिन अब वेद में चलता है विसर्ग बहुधा नहीं भी होता है, चल जाता है। यही वैदिक भाषा संस्कृत भाषा में इस तरह के बहुत अंतर है, और ये आपको इसी तरह धीरे धीरे अभ्यास से जानकारी हो जाएगी। कुछ यहाँ वहां लिखा मिल सकता है, कुछ हमारी पुस्तकों में भी लिखा है, कुछ अन्य पुस्तकों में भी लिखा होगा, लेकिन मुख्य आग्रह हमारा यही है, जब आप वेद को इस तरह से अध्ययन करेंगे तो फिर इसका अनुभव अच्छी तरह हो जाएगा। फिर वेद का पढ़ने वाला यदि कोई कहीं से श्लोक ले आए संस्कृत का और आपको पढ़ने के साथ ये वेद में है, उसको देख कर बता देंगे ये वैदिक भाषा का है ही नहीं, वेद में हो ही नहीं सकता, खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। पूरा वेद किसी को मतलब होगा कोई, हम लोग कह सकते हैं सामान्यता कंठस्थ तो नहीं है किसी को, लेकिन यदि आपने कोई श्लोक संस्कृत का सुनाया और किसी ने कहा साहब ये वेद में है, तो हम तो उसकी देख करके बता देंगे इसकी भाषा वैदिक नहीं है, संस्कृत है, ये वेद में नहीं हो सकता। तो ये आपको केवल अभ्यास से जानकारी होगी, इसका और कोई नियम मेरे विचार से उपयुक्त यही है कि अभ्यास से सीखा जाए। ओम।
हमें जरा त्रिंश और स्पष्ट कर देंगे जरा। त्रिंश किसको? त्रिंश ये त्रि शब्द को। मुझे लगता है इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता तो नहीं है जी। अभी आप कुछ कह रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर शब्द और उसका अर्थ लिखा हुआ 30, और हमने अभी जो अध्याय पढ़ा है 30वां अध्याय, उसके लिए लिखा हुआ त्रिंश या त्रिंशो, तो थोड़ा सा ये अंतर स्पष्ट हो जाना चाह रहा था मैं। देखिए यही हमने बताया, ये हमारी सरल संस्कृत व्याकरण है। मेरा निवेदन है बहुत छोटी सी पुस्तक है, उतना तो पढ़ ही लें, अष्टाध्यायी महाभाष न पढ़े कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन वो प्राथमिक कक्षा की पुस्तक है सरल संस्कृत व्याकरण, कम से कम उतना तो पढ़ लें। जैसे बताए मूल शब्द है त्रि, उसका अर्थ हुआ तीन, अब वो सामान्यता बहुवचन में प्रयोग होगा इसलिए त्रिण का प्रयोग होगा, त्रिया का प्रयोग होगा। अब जब 30 बना तो त्रिंसा, वो त्रिंसा त्रिंसत, ये 30 के लिए आया त्रिंसत, त्रिंसा जो लिखा है उसका अर्थ है 30वां, तो 3 30 30वां, और उसके बाद विभक्तियां जुड़ेंगी तो कुछ और हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा सा आपको अभ्यास से जानना होगा, और वही मैंने कम से कम सरल संस्कृत व्याकरण बहुत छोटी सी पुस्तक है, कृपया उसे एक बार पढ़ तो लें, फिर ऐसा कोई प्रश्न उठेगा तो आपको जानकारी होगी कि उस पुस्तक में कहाँ देखना है, तो आप देख लेंगे। मैं कंठस्थ करने को नहीं कह रहा हूँ, एक बार उसे पढ़ जाइए, फिर जब ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो आप उसमें स्वयं देख लेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर ये बात हमको मिल सकती है, जानकारी हो जाएगी। मेरे विचार से इतनी बात पर्याप्त होनी चाहिए, और कुछ हो तो कह सकते हैं। ओ जी जी धन्यवाद। जी किसी को और कुछ कहना हो, कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं। अच्छी चर्चा हुई, अच्छा लगा। कोई प्रश्न हो तो अभी भी बता सकते हैं, अन्यथा फिर समापन किया जाए, समय तो हो ही गया है। देखो भाई पुलकित जी, कोई प्रश्न हो तो ठीक है, अन्यथा समापन करें। जी किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। जी ठीक है, तो मैं समापन करता हूँ। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्, ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते, सादर प्रणाम। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य परसः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। तो कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म।